कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन का 2 सप्ताह के लिए बढ़ाया गया। हालांकि इस बार ग्रीन और ऑरेंज जोन से पहले से अधिक छूट दी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम पहले की तरह रहेंगे। ट्रकों और मालवाहक वाहनों को किसी पास की जरूरत नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में रेड जोन के तहत 130 जिले, ऑरेंज जोन के तहत 284 जिले और ग्रीन जोन के तहत 319 जिलों का रखा गया है। हर सप्ताह इसका आकलन किया जाएगा और संक्रमित मामलों के अनुसार जोन में बदलाव होगा। गृह मंत्रालय की ओर से रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए अलग अलग गाइडलाइंस तैयार हो गए हैं। यह गृह मंत्रालय ने कहा है कि रेड जोन में कई तरह के प्रतिबंध होंगे, ग्रीन और ऑरेंज जोन में काफी छूट दी गई। जाने किस जोन में है आपका जिला और किस जोन में मिलेगी किस तरह की छूट। रेड जोन का अर्थ है कि यहाँ पर संक्रमण की चपेट में कई लोग आ चुके हैं और इसको बढ़ने या यहाँ की वजह से कई दूसरी जगह संक्रमण के बढ़ने की आशंका काफी अधिक है। रेड जोन के रूप में जिलों का वर्गीकरण सक्रिय मामलों में कुल संख्या, पुष्टि किए गए मामलों को दर की दुगनी करने, जिलों से परीक्षण और निगरानी फीडबैक की सीमा को ध्यान में रखेगा। चौपहिया वाहनों में अधिकतम 2 व्यक्तियों, ड्राइवर के अलावा के साथ व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही की अनुमति है। दोपहिया वाहनों के मामले में दोहरी सवारी प्रबंधित होगी। यहाँ साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवा नहीं उपलब्ध होगी। बस सेवा भी बंद रहेगी। रेड जोन में प्रतिबंध के साथ साथ कुछ गतिविधियों की अनुमति दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के सभी औद्योगिक और कंस्ट्रक्शन गतिविधियां, जिनमें मनरेगा कार्य, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और ईंटे भट्टे शामिल हैं, इनको अनुमति दी गई है। शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां इन सीटू निर्माण तक सीमित है, जहां श्रमिक साइट पर उपलब्ध है और किसी भी श्रमिक को बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। इनमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा और सुविधा प्रबंधन सेवाएं शामिल होगी। दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे माल और मध्यवर्ती सहित आवश्यक वस्तुओं को विनिर्माण इकाइयों, सामाजिक दूरी के साथ जूट उद्योग और आईटी हार्डवेयर के निर्माण और पैकेजिंग सामग्री का विनिर्माण इकाइयों को अनुमति दी जाएगी। शहरी क्षेत्रों में दुकानें, गैर जरूरी सामानों के लिए मॉल, बाजार और बाजार परिसरों में अनुमति होगी। हालांकि कहीं स्टैंड अलोन एकल दुकानें, पड़ोस कॉलोनी की दुकानें और आवासीय परिसरों में दुकानों की आवश्यक और गैर आवश्यक के किसी भी भेद के बिना शहरी क्षेत्रों में खुले रहने की अनुमति है। रेड जोन में ई कॉमर्स गतिविधियों को केवल आवश्यक वस्तु में सामान में अनुमति दी जाती है। निजी कार्यालय आवश्यकता के अनुसार 33% की शक्ति के साथ काम कर सकते हैं। ऑरेंज जोन में टैक्सियों और कैब एग्रीगेटरों को केवल 1 ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ अनुमति दी जाएगी। ऑरेंज जोन में व्यक्तियों और वाहनों के अंतर जिला आवागमन को केवल कुछ गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी। चौपहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 यात्री होंगे। जब किसी ऑरेंज जोन क्षेत्र में 14 दिन तक कोई नया केस नहीं आता है तो उसे ग्रीन जोन में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस जोन का अर्थ संक्रमण मुक्त है। यहाँ पर प्रशासन लॉकडाउन के दौरान जरूरी चीजों को खरीदने के लिए लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाजत दे सकता है। हालांकि इस दौरान कहीं भी भीड़ इकट्ठा होने या सोशल डिस्टेंसिंग की बात मानना जरूरी है। ग्रीन जोन के अंदर भी जिन लोगों का क्वारंटाइन में रखा जाएगा, इसके तहत आज 6 स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दी गई है। आगे भी रेल मंत्रालय और राज्यों के अनुरोध पर एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए ट्रेन चलाई जा सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर ट्रेन की आवाजाही बंद रहेगी।